सरसों की खेती हल्की दोमट भूमि से भारी मटियार भूमि तक में आसानी से की जा सकती है। सरसों के लिए खेत की मिट्टी महीन और भुरभुरी होनी चाहिए। इसके लिए खरीफ की फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करें और बाद में 2-3 बार देशी हल से जुताई करना आवश्यक है। यदि सरसों को किसी अन्य फसल के साथ बोया जा रहा है तो मुख्य फसल के लिए जो खेत की तैयारी हो रही है वही सरसों के लिए भी काफी होगी। बारेनी क्षेत्र में चने व गेहूं के साथ कतारों में सरसों उगाने से अधिक लाभ मिलता है। चने की 3-4 और गेहूं की 6-8 कतारों के बाद एक कतार सरसों की लगाई जाती है। अन्य फसलें जैसे अलसी, जौ आदि में भी इस प्रकार मिश्रित खेती की जा सकती है। बसंतकालीन गन्ने की कतारों में तोरिया व सरसों की फसल उगाने से भी लाभ होता है। भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व के मैदानी भागों में समय से बुवाई के लिए सरसों की प्रमुख किस्में पूसा बोल्ड, रागिनी, अरावली, माया, स्वर्णा, ज्योति, वसुंधरा, नवगोल्ड और पूसा सरसों की किस्मों का अनुमोदन किया गया है। देर से बुवाई के लिए RGN 145, 502 और पूसा सरसों 25 उपयुक्त पाई गई है। शुद्ध सरसों की फसल के लिए सामान्यतः प्रति एकड़ 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज को थीरम व बावेस्टीन की बराबर मात्रा लेते हुए 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। सरसों की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से नवंबर का प्रथम सप्ताह है। बुवाई के लिए उपयुक्त तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कतारों में बुवाई के लिए देशी हल या सीड ड्रिल का उपयोग करें। बीज को 2-3 सेंटीमीटर गहरा बोएं और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। खेत की तैयारी के साथ ही बुआई से 3-4 सप्ताह पहले प्रति एकड़ 3-4 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएं। अच्छी उपज के लिए प्रति एकड़ 25-35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश आवश्यक है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय काम में लें। शेष नाइट्रोजन की मात्रा प्रथम सिंचाई के समय देनी चाहिए। इसलिए खेत तैयार करते समय 100-150 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ काम में लें। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में बुआई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ दें। असिंचित अवस्था में सभी पोषक तत्वों की मात्रा आधी कर दें और उन्हें बुआई के समय ही भूमि में ऊर कर दें। खेत की तैयारी के समय 400 ग्राम बोरोन खेत में डालें या बोरिक एसिड का छिड़काव 0.25% के घोल बनाकर बुआई के 40 व 60 दिन बाद करने से 20% उपज में वृद्धि पाई गई है। सामान्यतः सरसों की फसल असिंचित क्षेत्रों में मानसून वर्षा से सुरक्षित नमी के सहारे ही की जाती है। अतः भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए जीवांश खाद का प्रयोग व वर्षा ऋतु में 1-2 गहरी जुताई करना लाभदायक रहता है। सिंचित खेती में फसल की खास अवस्थाओं पर सिंचाई देने से उपज में वृद्धि होती है। सामान्यतः बुआई के बाद सरसों को 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय दें और दूसरी फली भरते समय। सरसों की फसल में रबी के मौसम में उगने वाले खरपतवार जैसे बथुआ, कृष्ण नील, सतगठिया, प्याजी देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक प्रमुख परजीवी खरपतवार और ओरबैंकी भी सरसों की फसल में पाया जाता है। खरपतवार की रोकथाम और साथ ही नमी संरक्षण के लिए बुआई के 20 और 40 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन 300 ग्राम सक्रिय तत्व या बेसालीन 400 ग्राम सक्रिय तत्व
प्रति एकड़ बुवाई से पहले 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें। सरसों की फसल को रोग मुक्त रखने के लिए स्वस्थ और उपचारित बीज ही काम में लें। खड़ी फसल में रोगित पौधों को खेत से बाहर निकाल कर जला दें। झुलसा, तुलसिता और सफ़ेद रोली के लक्षण दिखाई देने पर 1 किलोग्राम मैंकोजेब और 1.25 किलोग्राम जैनिप प्रति एकड़ की दर से बुवाई के 50 व 70 दिन की फसल पर छिड़काव करें। नीम तथा यूकलिप्टिस की पत्तियों के 2% सत का छिड़काव भी रोग की तीव्रता को कम कर सकता है। छाछा रोग से बचाव के लिए 0.1% कैराथीन का छिड़काव भी लाभदायक रहता है। गंधक पाउडर का भुरकाव भी छाछा रोग से बचाव करता है। छिड़काव सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि पूरे पौधे पर और खासकर निचली पत्तियों पर भी सही छिड़काव हो जाए। सरसों को पाले से बचाने के लिए 1 मिलीलीटर गंधक का तेजाब प्रति लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल पर पाला पड़ने की संभावना होने पर 1 या 2 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में लगने वाले कीड़ों में चेपा, लीफ माइनर, पेंटेड बग और आरा मक्खी प्रमुख हैं। इसमें से चेपा व आरा मक्खी से बहुत अधिक नुकसान होता है। इन कीटों के अलावा कभी कभी कैबेज बटरफ्लाई और बिहारी हेयर कटर पिलर का भी प्रकोप देखने को मिलता है। कीट नियंत्रण के लिए सामान्य समय पर बुवाई करनी चाहिए क्योंकि अधिक नम व ठंडे वातावरण में कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है। डाइमेक्रॉन 40 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में या मेटासिस्टॉक्स 25 EC 400 मिलीलीटर या रोगर 30 EC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए सिस्टेमिक और चबाने वाले कीड़ों के लिए संपर्क कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें। 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव के लिए 200 से 250 लीटर पानी का उपयोग करें अथवा नीम का तेल 2% या नीम के बीज का सत 5% 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से सरसों को चेपा द्वारा नुकसान लगभग 80% तक कम किया जा सकता है। जैसे ही सरसों फसल की पत्तियां भूरी पीली पड़ने लगे तो फसल काट लेनी चाहिए। कटाई के बाद पौधों को गांठ बनाकर 5-6 दिन सूखने के लिए रखें। जब फलियां पूर्ण रूप से सूख जाए तो गहाई करें। बीज को साफ कर उनका भंडारण करें या बाजार ले जाएं।